कि कोई यौन शोषण की शिकायत किसी को कुर्सी से हटाने के लिए करता हो, और यहाँ पर कहा जा रहा है, इसलिए गोदी मीडिया क्या चलाता है उसको मैं देखता नहीं हूँ। जो अदानी का मुद्रा पोर्ट है वहाँ 24,000 करोड़ की ड्रग्स आई थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए मक्खनलाल मित्र की हत्या कराई गई, और सत्यपाल मलिक का तय हुआ कि वो पोल खोल करेंगे पुलवामा को लेकर। ये देश के साथ गद्दारों की बहुत बड़ी शैतानगी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और मोदी की सीबीआई पर मुझे यकीन नहीं है। उमेश पाल की हत्या भी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, ताकि षड्यंत्र के तहत अतीक के परिवार का अंत करने के लिए रास्ता निकल सके। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि वह कौन ताकत है जिसने ये बताया कि अब जो है अतीक को और अशरफ को हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। ये सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, ये सवाल मैंने तत्काल उठाया था कि योगी सरकार में वह कौन षड्यंत्रकारी है जिसने ये बताया हत्यारों को कि इतने बजे अतीक और अशरफ को हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी किया, और यह सिर्फ सवाल और फटकार का मामला नहीं है, सीधे सीधे शब्दों में जो अतीक और अशरफ की हत्या का मामला है। पर इसकी गहराई में पहले जब तक नहीं जाएंगे तब तक देशवासियों आपको समझ नहीं आएगा। हमारे देश के अंदर 19 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, कश्मीर से पंडितों को भगाया गया था, और तब केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार थी, और कश्मीर में एक मक्खनलाल बिंद्रू पंडित जी थे, कश्मीरी बामन, वो दवा विक्रेता का काम करते थे, उन्हें भाजपा ही नहीं भगा पाए, भाजपा ही सरकार तब नहीं भगा पाई। अभी 2019 में धारा 370 हटाने के बाद, देश में ताकतवर सरकार बनने के बाद, अभी 2021 में मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या करा दी गई। मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या इसलिए कराई गई ताकि जो अदानी का मुद्रा पोर्ट है वहाँ 24,000 करोड़ की ड्रग्स आई थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या कराई गई। हमारे किसानों के ऊपर टेनी के लड़के के द्वारा गाड़ी चढ़ा करके नरसंहार किया गया, और आर्यन खान था, सलमान खान का, शाहरुख खान का बेटा, उसे फर्जी ड्रग्स के मामले में फंसाया गया। ठीक सुनिए, ठीक उसी तरीके से अभी पुलवामा का जो हमला है उसकी पोल खोल करने वाले थे 4 राज्यों के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, और ये चर्चा जैसे ही, मैं दावे से कह सकता हूँ, सत्यपाल मलिक या तो पेगासस के दायरे में है या उनकी सुरक्षा में लगा यशो मुखबिरी का काम करता है। जिस दिन करण थापर का और सत्यपाल मलिक का तय हुआ कि वो पोल खोल करेंगे पुलवामा को लेकर, मैंने दावा किया था उसी दिन अतीक के परिवार के अंत का फैसला कर दिया गया था, ताकि पुलवामा के मसले से ध्यान भटकाया जा सके। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये देश के साथ गद्दारों की बहुत बड़ी शैतानगी है। मैं मानूं और दुनिया माने अतीक उसका भाई अपराधी था तो हमारे देश में न्यायपालिका है, हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था है, वो उसको सजा देती। तब सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल खड़ा करना कि उसका बताने का कौन लोग षड्यंत्र में थे, मैं कहता हूं उन पर साजिश हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और मोदी की सीबीआई पर मुझे यकीन नहीं है। अच्छा, पुलवामा वाले मुद्दे के लिए तो मान लीजिए अतीक का केस को उजागर किया गया या फिर मर्डर किया गया, जो भी हुआ, अब अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी की बात कह रहे कि अफजल अंसारी को 10 साल की सजा, तो आप कौन सा केस को दबाने के लिए ये केस? नहीं नहीं, अभी एक मिनट, ये जो आप कह रहे हैं सजा, एक मिनट, सजा सुनाने की प्रक्रिया में थोड़ा आपको फिर और आगे सुनना चाहिए। हमारे देश में जिस प्रकार मक्खनलाल बिंद्रू नहीं मारा गया था, उसी तरीके से उमेश पाल का मैं जिक्र करूंगा, जो राजू पाल का गवाह था 2006 में, 5 में राजू पाल मारा गया था, उमेश पाल गवाह था 2006 में अतीक ने अपहरण कराया, और 2006 से लेकर के 24 फरवरी 2023 तक अतीक ने कुछ नहीं किया, और जब उसने अतीक के खिलाफ गवाही दे दी तब अतीक उसको क्यों मरवाएगा? इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, उमेश पाल की हत्या भी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, ताकि षड्यंत्र के तहत अतीक के परिवार का अंत करने के लिए रास्ता निकल सके, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब आपने जो कहा कि जिनको सजा सुनाई गई है, सजा सुनाने की प्रक्रिया और सजा से बाहर निकालने की प्रक्रिया हो सकता अदालत दबाव में भी कर रही हो,
वह सबूत हो, उन्होंने जो अपराध किए हैं, इसको मुझे लगता है कि ये अंसारी को सजा दिलाना बहुत बड़े मामले से कन्वर्ट करने का मामला बिल्कुल नहीं है। लेकिन अतीक के परिवार का अंत, उमेश पाल की हत्या कराना, मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या कराना, पुलवामा से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र, 24,000 करोड़ का ड्रग्स जो थी मुद्रा पोर्ट पे, अडानी के एयरपोर्ट पे, वहां से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र था। और वैसे ही षड्यंत्र जिस तरीके से अडानी के मामले से फर्जी डिग्री वाला, चौथी पास का राजा का बात उठाना, आतंक फैलाना, मस्जिदों के बाहर में दंगाइयों को छुड़वाना, और इन सब प्रक्रियाओं के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, क्रोनोलॉजी का हिस्सा देखिए आप ताकि ध्यान पूरा भटक सके। हमारे देश में 1 अप्रैल को 63 लोगों के हत्यारों को मेरठ में छोड़ जाता है, और हमारे देश में 12 लोगों के हत्यारों को गुजरात में छोड़ जाता है एक ही तारीख को, और 2 तारीख को रामनवमी थे। तो क्या संदेश दिया गया? संदेश यह दिया गया हमारे देश के अंदर दंगा, बलात्कार, हत्या, आगजनी और ये सब करने वालों को भाजपा सरकार बरी कराएगी। क्या करे? सुप्रीम कोर्ट ने बैठे जजों से मैं अपील कर रहा हूँ कि एक सिटिंग जज के अगुवाई में जांच पड़ताल होनी चाहिए। अतीक अहमद की हत्या और उसके परिवार का अंत करने का षड्यंत्र, और पुलवामा में विदेशी आतंकवादियों के साथ मिलकर के 40 हमारे जवानों की हत्या कराने का षड्यंत्र, मैं एक बात दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, पुलवामा में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके 40 जवानों को मरवाना, हवाई जहाज की मांग जो की गई थी अधिकारियों से उसे नकार के जवानों को मरवाना, और अतीक का अंत करवा करके इस मामले ध्यान भटकाना, सुनो भैया पेशेंस रखो, इस दोनों को जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट के जजों की अगुवाई में जांच होनी चाहिए। जब तक जिस शख्स ने, जिस ताकत ने आतंकवादियों के हाथों 40 जवानों को मरवाया, जिसने जहाज देने की मांग कर खारिज करके आतंकवादियों के हाथों जवानों को मरवाया, उसी ने अतीक के अंत की पटकथा लिखवाई है। इसलिए मैं ये मानता हूँ इस पूरे हत्याकांड में, इस पूरे कांड में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में जांच होनी चाहिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी। नहीं देखिए, शाइस्ता का पता नहीं चल रहा, ये जानकारी मेरे पास भी नहीं है। आप में से भी कई लोग ऐसे चला रहे थे कि साहब देखो शाइस्ता मारी गई, शाइस्ता का लाश मिल गया। देखिए अफवाहें बिल्कुल मत फैलाइए। देखिए तो गया शाइस्ता, तेरा क्या होगा? हाँ मैं एक मिनट, वो देखिए गोदी मीडिया क्या क्या चलाएगा, गोदी मीडिया ऐसे सुनिए, यहाँ जंतर मंतर पर देश की ओलंपिक विजेता बेटियां बैठी है यौन शोषण का अपराधी को सजा दिलाने के लिए, और गोदी मीडिया का सुधीर चौधरी तिहाड़ी चला रहा है कि बृजभूषण सिंह कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अब कितनी विचित्र स्थिति है बताइए आप, क्या कोई बालिका, कोई मैं 35 साल के सामाजिक जीवन में मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई यौन शोषण की शिकायत किसी को कुर्सी से हटाने के लिए करता हो, और यहाँ पर कहा जा रहा है। इसलिए गोदी मीडिया क्या चलाता है उसको मैं देखता नहीं हूँ। वो अतीक अहमद पे बताया जा रहा है कि मुसलमान होने के वजह से वो सारी चीजें उन्हें झेलनी पड़ी, अभी फिर अफजल अंसारी पे कह रहे हैं उनकी सदस्यता जाएगी। देखिए देखिए तो क्या मुसलमान को देख के, सुनिए क्या मुसलमान को, अतीक तो गया मुख्तार का नंबर। हाँ तो देखिए देखिए एक मिनट, अगर दो बातें आप एक साथ कह रहे हैं, एक आप सांस कह रहे हैं कि भाई अगर सजा हो गई, सजा का षड्यंत्र आप सबके सामने है, हमारे मित्र है, वरिष्ठ अधिवक्ता है प्रशांत भूषण जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में करप्ट जजों के विषय में सवाल उठाए थे, उन पर मानहानि का मामला चला, माना का मामला चला, शायद 1 रुपये का जुर्माना हुआ, राहुल गांधी ने चोर को चोर कहा, चोर को चोर कहने पर सजा चली गई है, मुख्तार अंसारी पर आपराधिक मामलों में अगर सजा 2 साल से ज़्यादा की हुई है तो सजा के तो ऐसी स्थिति में सदस्य जाएगी जाएगी। अगर 2 साल या उससे ज़्यादा सजा हो गई, जैसे मैंने कहा कि राहुल गांधी को भी योजनाबद्ध तरीके से चोर को चोर कहने पर 2 साल की सजा सुनाई गई, और 2 साल की सजा सुनाने पर सदस्य चली गई। आज हाईकोर्ट में हियरिंग थी, पता नहीं मुझे जानकारी नहीं क्या रहा हाईकोर्ट में, लेकिन पीछे भी टाली गई है, और अब तो क्या मतलब बीजेपी विरोधी जो पार्टी है उसको चुन चुन के क्या मतलब सदस्यता रद्द किया जा रहा है, उसको फंसाया जा रहा है? देखिए आप जो कह रहे हैं भाजपा विरोधी, देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, और आपके माध्यम से मैं देश के अंध भक्तों को भी बताता हूँ, हमारे देश के अंदर खास करके जो माए ये चाहती है कि मेरा बेटा दंगाई ना हो, मेरा पोता कभी दंगाई ना हो, से अपील करता हूँ,
जब हमारे देश के अंदर बेटे रोजगार मांग रहे हैं तो भाजपाई तलवारें पहुंचा रहे हैं। रामनवमी से पहले बड़े पैमाने पर तलवारें बांटी गई, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, और ये संदेश दिया गया है जिस तरीके से 2002 के दंगों में माया कोटनाली विधायक रहते हुए भी जेल में रही, उसे दोबारा जाना चाहिए क्योंकि वो सार्वजनिक तौर पर, मैं मानता हूँ बाबू बजरंगी का तो बाकायदा पब्लिक डोमेन में है कि मैंने अरे मेरे को बड़ा अच्छा लगता है पकड़ना, काटना, जलाना, ये बाबू बजरंगी का बयान है कहा जा रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपके बेटों को रोजगार देने की बजाय, अच्छे दिन की देने की बजाय भाजपाई तलवार दे करके दंगाई बनाना चाहती है। जो माए अपने बच्चों को दंगाई नहीं बनाना चाहती हैं उनसे मैं अपील करता हूं इस भाजपा से दूरी बना करके। और दूसरा के बाद लगातार ये कहा जा रहा है अतीक तो झांसी है, मुख्तार अभी बाकी है, तो क्या लग रहा है? नहीं देखिए 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 ये जो शब्द है मैंने आपके मुँह से सुने, पहले मैं आपके मैं आप किसी भी समय मेरे घर पर आकर देख सकते हो। मैं मन की बात को लेकर सारा समय में चर्चा थी एक घंटे की, और मैंने दावा किया था क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे 125 करोड़ पिछले, उससे मैं 16-17 का बात कर रहा हूँ, वो कई करीब 10 साल से कह रहे थे। तो मैंने कहा कि हमारे दावा आपके कह रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोल सकता है और संघ का प्रचार रह चुका शख्स कभी सच नहीं बोल सकता है। मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी आपने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया इसलिए आपके घर में चूहा भी नहीं जन्म रहा है, लेकिन हमारी माँ बहने भारत की, उनकी कोख सुनी नहीं हुई कि वंश वृद्धि हो रही है। जिस दिन मैं चर्चा में था तब हमारे देश की आबादी 134 करोड़ प्लस हो गई थी, उसी की बात कर रहा हूँ। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो ये महत्वपूर्ण बात है कि टीवी अखबार हमने उसके बाद से टेलीविजन देखना बंद कर दिया, जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारे देश में सच्ची और अच्छी बात टीवी के माध्यम से बिल्कुल नहीं आती है, सोशल मीडिया के माध्यम, आप ही हमारे मेन टीवी हैं, आपके माध्यम से बात आती है, वो हमें मुझे लगता है कि सच्चाई होती है और वो हम सुनते हैं। गोदी मीडिया का सबसे बड़ी बात है कि देशवासियों को बहिष्कार करना चाहिए ताकि हमारे देश में अफवाह फैलानी बंद हो सके। बहुत शुक्रिया।